हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होगा व्हाट इज लीवर, मतलब लीवर क्या होता है। एक्चुअली लीवर के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी लीवर आ जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि लीवर क्या होता है, और लीवर के ऊपर हम लोग एक स्पेशल नोट्स बनाने वाले हैं। जो नोट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, और लीवर का एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और बहुत कम समय का नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो लीवर क्या होता है ये हम लोग आज देखेंगे, व्हाट इज लीवर। तो इसका पहला जो पॉइंट होगा उसमें हम लोग लिखेंगे, लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड। लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ऑफ द बॉडी लीवर क्या होता है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड होता है। इंटरनल इसको खास ध्यान रखना है, इंटरनल इंटरनल ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा होता है, लीवर। लेकिन इसी में अगर एक्सटर्नल पूछते हैं तो एक्सटर्नल ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी का वो सबसे होता है बड़ा स्किन, ठीक है। तो स्किन जो होता है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एक्सटर्नल ग्लैंड होता है, लेकिन अगर इंटरनल पूछे तो इंटरनल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग लीवर बोलते हैं, ओके। एंड पहला पॉइंट लिखना है, लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2.3 kg, ठीक है। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड लीवर होता है, तो लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड ऑफ द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल वेट अप्रोक्सीमेटली 1 to 2.3 kg, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे नोट्स में। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो इट इज लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। यह कहाँ होता है, तो लीवर हमारे एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, और लीवर जो होता है वह कहाँ पे लोकेटेड रहता है, तो हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होता है उसके ऊपर, जो पेट होता है उसके ऊपर, और डायफ्राम जिसमें लंग्स वगैरह रहते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट और क्या लिखना है इसमें, थर्ड पॉइंट में लीवर हैज टू लोब्स। लीवर में कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप लिख सकते हैं लीवर हैज टू लोब्स। फर्स्ट में लिखेंगे राइट लोब्स एंड सेकेंड लेफ्ट लोब, ठीक है। लीवर में कितने लोब होते हैं, तो 2 लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ठीक है। और राइट लोब में क्या लिखेंगे, राइट लोब में हम लिखेंगे कि दिस इज लार्ज इन साइज। और लेफ्ट लोब जो होता है वह क्या होता है, तो दिस इज स्मॉल इन साइज। तो याद रखना, जो राइट लोब होता है वह क्या होता है, बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लोब होता है वह क्या होता है, छोटा होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको लिख रहे हैं। तो लीवर में हम लोग देख रहे थे कितना लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। राइट बड़ा होता है एंड लेफ्ट छोटा होता है।
उसके बाद लिखना है इनसाइड इनसाइड ऑफ बोथ लोब्स ऑफ बोथ लोब्स मतलब दोनों लोब्स प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स लीवर के लोब्स के अंदर स्मॉल क्या होता है दोनों लोब्स के अंदर जो होता है वह स्मॉल लोब्यूल्स होता है ठीक है लोब्यूल क्या होता है तो लोब्यूल्स आर ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स लोब जो होता है वह क्या लोब्यूल्स का होता है तो लोब्यूल जो होता है वह लोब्स का फंक्शनल यूनिट होता है ठीक है दूसरा जब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ठीक है तो इसमें हम लिखेंगे लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल कौन सा तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ठीक है इसमें पहला जो पार्ट्स होता है उसको हम स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल्स तो लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ठीक है इसमें क्या होता है तो पहला जो होता है वह होता है पोर्टल ट्रायड इसमें क्या होता है तो इसमें होता है बाइल डक्ट दूसरा क्या होता है तो दूसरा इसमें होता है पोर्टल वेन और तीसरा क्या होता है तो तीसरा इसमें जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी अभी हम लोग डिटेल में जाके सब पढ़ेंगे बाइल डक्ट क्या होता है पोर्टल वेन क्या होता है हिपैटिक आर्टरी क्या होता है ये सब हम बाद में पढ़ेंगे फिलहाल अभी लिखने का काम हम लोग कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है ठीक है तो जो लोब्यूल्स होता है वो कैसा होता है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसमें लीवर जो हमारा लोब्यूल्स होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें पहला होता है पोर्टल ट्रैक में क्या होता है तो बाइल डक्ट होता है पोर्टल वेन होता है और हिपैटिक आर्टरी होता है दूसरा जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोसोइड्स ठीक है और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी ठीक है हिपैटिक आर्टरी तो इसमें हो गया ये जो तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल वेन लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें पहला होता पार्ट जो होता है उसको हम लोग पोर्टल ट्रैक बोलते हैं पोर्टल ट्रैक में बाइल डक्ट होता है पोर्टल वेन होता है हिपैटिक आर्टरी होता है दूसरा जो होता है उसको हम लोग साइनोसोइड्स बोलते हैं एंड तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेंट्रल वेन बोलते हैं या फिर इसको एक और नाम है जिसको हम लोग हिपैटिक वेन बोलते हैं इसको हम आर्टरी लिख रहे थे बट ये होता जो है वह हिपैटिक वेन होता है ठीक है हिपैटिक वेन सेंट्रल वेन में क्या होता है तो सेंट्रल वेन में एक चीज होता है जिसका नाम होता है हिपैटोसाइट्स वो हम हिपैटोसाइट्स आपको बताएंगे क्या होता है हिपैटोसाइट्स एंड दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल्स ठीक है अभी हम लोग देखेंगे हिपैटिक आर्टरी क्या होता है पोर्टल वेन क्या होता है बाइल डक्ट क्या होता है साइनोसाइट्स क्या सबका काम क्या है ये सब हम अभी आगे देखेंगे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रल वेन क्या होता है तो सेंट्रल वेन में हम लोग को जब अगर पूछे एग्जाम में
लीवर में सब लिखना है, लेकिन सेंट्रल वेन अगर कभी कभी 2 मार्क्स में सिर्फ सेंट्रल वेन के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, व्हाट इज सेंट्रल वेन, अगर आता है तो दिस वेन प्रेजेंट, दिस वेन प्रेजेंट सेंटर, या सेंट्रल भी लिख सकते हैं, सेंटर मतलब केंद्र, बीच में, ठीक है, ऑफ द लोब्यूल, ऑफ द लोब्यूल, दिस वेन प्रेजेंट सेंटर ऑफ द लोब्यूल, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन क्या होता है, तो दिस वेन प्रेजेंट सेंटर ऑफ द लोब्यूल, सो इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेन, या क्या होता है, तो यह सेंट्रल वेन के प्रेजेंट में रहता है, लोब्यूल का कहां पे रहता है, सेंटर में प्रेजेंट रहता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हिपैटिक आर्टरी, यह सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं, हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी क्या होता है, तो हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी रिलीज, हिपैटिक आर्टरी क्या करता है, तो हिपैटिक आर्टरी रिलीज ब्लड इनटू द, रिलीज द, इनटू द साइनसॉइड, हिपैटिक आर्टरी क्या करता है, साइनसॉइड में ब्लड रिलीज करता है, एंड एंड इट मूव, एंड इट मूव इनटू सेंट्रल वेन्स, सेंट्रल वेन, हिपैटिक आर्टरी रिलीज द ब्लड इनटू द साइनोसाइट्स, साइनोसाइट्स में क्या करता है, हिपैटिक आर्टरी ब्लड को रिलीज करता है, जो ब्लड हमारे हार्ट लंग्स के इधर से जो लेके आया रहता है वहां पे क्या करता है, साइनोसाइट्स में रिलीज करता है, एंड फिर एंड इट मूव इनटू द सेंट्रल वेन, सेंट्रल वेन की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ, इसका भी एक नाम है, इस प्रोसेस का भी एक नाम है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल, क्या है, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो, हिपैटिक आर्टरी में क्या होता है, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो होता है, हिपैटिक आर्टरी में क्या होता है, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो होता है, सेंट्रीपिटल फ्लो ब्लड फ्लो बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाते हैं, हिपैटिक आर्टरी क्या करता है, रिलीज द ब्लड इनटू द साइनोसाइट्स एंड इट मूव इनटू द सेंट्रल वेन, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज, उस टाइप के जो ब्लड फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमको देखना है साइनोसाइट्स क्या होता है, साइनोसाइट्स क्या होता है, साइनोसाइट क्या होता है, तो साइनोसाइट क्या होता है, तो साइनोसाइट इज ए, नैरो, साइनोसाइट इज ए नैरो ट्यूब होता है, विच इंटरनली इंटरनली अटैच टू द सेंट्रल वेन, टू द सेंट्रल, साइनोसाइड क्या होता है, तो साइनोसाइड एक नैरो ट्यूब होता है, मतलब पतला एक ट्यूब होता है जो कहां पे सेंट्रल वेन से अंदर अटैच रहता है, ठीक है, मतलब जुड़ा हुआ रहता है, इनसाइड ऑफ साइनोसाइड, मतलब साइनोसाइड के अंदर, इनसाइड ऑफ साइनोसाइड, इनसाइड ऑफ साइनोसाइड क्या होता है, प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ सेल, प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ सेल, साइनोसाइट के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, तो व्हिच इज कॉल्ड एज, व्हिच इज
कॉल्ड एज कफर सेल्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं। एंड इसका काम क्या है, एंड इट इज हेलो, इट इज हेलो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहले इसको समझिए, साइनोसाइट क्या होता है, तो साइनोसाइट ये नैरो ट्यूब होता है, यह एक पतला ट्यूब होता है विच इंटरनली अटैच टू द सेंट्रल वेन, या क्या होता है, तो इंटरनली अंदर किससे, तो सेंट्रल वेन से अटैच रहता है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन साइड ऑफ साइनोसाइट, मतलब साइनोसाइट के अंदर क्या होता है, साइनोसाइट के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं, KUPFER, कफर सेल्स बोलते हैं। कफर सेल्स का क्या काम है, तो कफर सेल्स का काम क्या है कि हमारे बॉडी में जैसे भी कोई इन्फेक्शन आएगा और ब्लड के थ्रू अगर वो हमारे लीवर के पास आता है तो वह से लड़ाई करने, कफर सेल क्या है, उसको मारने, हमारे लीवर का बॉडी गार्ड बोल सकते हैं, वह फाइट करता है इन्फेक्शन सेल से, फाइट करता है कहां पे, साइनोसाइट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। अब इसमें लीवर के नोट्स में और क्या लिखना है हम लोग को, तो उसके बाद लिखना है फोटल ट्रैक, उसके बाद जो लिखना है उसको हम लोग लिखेंगे URTL, फोटल ट्रैक। फोटल ट्रैक क्या होता है, द एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल, मतलब हर एक, एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल्स, आपको मालूम है लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेक्सागोनल होता है, करेक्ट, तो एवरी हेक्सा मतलब हर एक, प्रत्येक हेक्सागोनल लोब्यूल्स, लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर ही होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जो लेबल होता है उसमें क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर हैज थ्री, ठीक है, कॉर्नर हैज थ्री डॉट, हर एक हेक्सागोनल लोब्यूल में कॉर्नर जो होते हैं वह कितने, तीन डक से जुड़े होते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रैक, मतलब ऐसे भी तीन होता है, ठीक है, तो पोर्टल ट्रैक क्या होता है, एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल, लोब्यूल का स्ट्रक्चर ही हेक्सागोनल होता है, तो एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल कॉर्नर हैज थ्री डक, सो इट इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्रैक, ठीक है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड एज हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स मतलब, साइट्स मतलब होता है सेल, ठीक है, सेल्स, एंड हिपैट मतलब होता है लीवर, मेडिकल टर्म्स में हिपैट मतलब लीवर एंड साइट्स मतलब सेल, तो हिपैटोसाइट्स क्या होता है, हिपैटोसाइट्स मतलब होता है इच लोब्यूल, जो लोब्यूल हमारा होता है, इच लोब्यूल मेड ऑफ, मेड अप ऑफ, जो हमारा लोब्यूल होता है वो किससे बना होता है, इच लोब्यूल है मेड अप ऑफ मेनी, मतलब बहुत सारे, मेड अप ऑफ मेनी स्पेशल सेल्स विच इज कॉल्ड एज हिपैटिक सेल्स, विच इज कॉल्ड एज हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक मतलब लीवर सेल, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज ऑफ हिपैटिक सेल इच 20 to 30 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, ठीक है। हिपैटोसाइट सेल्स क्या होता है, तो हिपैटोसाइट सेल से ही हमारा लोब्यूल बना होता है, इच लोब्यूल हैज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल सेल,
एंड जो सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ईच इज कॉल्ड ऑज हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स मतलब लीवर सेल्स, वह क्या बनाती है, हमारी लोब्यूल्स बनाती है। लीवर की जो लोब्यूल्स होते हैं वह किससे बना होता है, तो हिपैटिक सेल से ही बना होता है, ठीक है, हिपैटिक सेल्स। एंड नॉर्मल साइज क्या होता है, तो नॉर्मल साइज जो होता है हिपैटिक सेल्स का, वह 20-30 माइक्रोमीटर्स होता है। अभी हम लोग एक बार और शुरू से इसको डिवीजन कर लेंगे, लीवर क्या होता है। तो पहले आपको लिखना है, लीवर इज लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड, मतलब हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल, इंटरनल जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। एंड इट्स नॉर्मल वेट, हमारे जो लीवर रहता है उसका नॉर्मल जो वेट होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो 1 to 2.3, मतलब 1 to 2.3 किलो अप्रोक्सीमेटली हमारे लीवर का वेट होता है, पहला। और दूसरा एक और बात, लीवर हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है, हमारे बॉडी का एकमात्र लीवर ही ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोड्यूस हो सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है, अगर लीवर को हम 85% भाग भी काट कर दिया जाए तो लीवर रिप्रोड्यूस हो जाता है, मतलब 85% हमारा लीवर डैमेज अगर हो जाता है, कट हो जाता है, तो भी हमारा लीवर अपना रिप्रोड्यूस कर लेता है और हम उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसप्लांट या जो कुछ भी प्रोसीजर है वो फॉलो करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह होता है उसमें 85% भी अगर लीवर हमारा डैमेज रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो लीवर क्या होता है, एक ये भी है कि लीवर हमारा एकमात्र बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोड्यूस होता है, मतलब फिर से बन जाता है, जैसा नॉर्मल था वैसा ही बन जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इट इज लोकेटेड इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारा पेट है, पेट के ऊपर क्या होता है, लीवर पाया जाता है, बट बिलो द डायफ्राम, हमारा जो लंग्स और हार्ट है जो है उसके नीचे पाया जाता है। उसके बाद हम लोग लिख देंगे लीवर में क्या होता है, लोब्स। पहला लीवर के बारे में हम लोग इतना इंट्रोडक्शन दे देंगे, काफी आप लोग इस लीवर के हिसाब से इतना लिखना, ठीक है, पहला होता है। उसके बाद दूसरा में हम लोग लिखेंगे लोब्स ऑफ लीवर, तो लीवर में कितने होते हैं, 2 lobes होते हैं, लीवर है 2 lobes, कौन कौन, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होता है उसको, दिस इज लार्ज इन साइज, दैट इज कॉल्ड एज राइट, मतलब वह हमारे राइट लोब जो होता है वह क्या होता है, लार्ज होता है कंपेयर टू लेफ्ट लोब। और स्मॉल लोब में, लेफ्ट लोब में हम लोग लिख लेंगे, दिस इज स्मॉल इन साइज। अब क्या होता है, ईच या इन साइड ऑफ बोथ लोब, जो हमारा लोब्स होता है उसके अंदर, दोनों लोब्स के अंदर स्मॉल प्रेजेंट, स्मॉल जो प्रेजेंट रहता है वो क्या रहता है, लोब्यूल्स होता है, हमारे जो लोब्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं। एंड लोब्यूल्स का काम क्या है, तो लोब्यूल्स आर ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्स, लोब्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है, लोब्यूल्स होता है। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ लोब्यूल लिखेंगे, जिसमें क्या होंगे लिखेंगे, तो लोब्यूल्स इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें पहला हम लोग लिखेंगे पोर्टल ट्राइड, पोर्टल ट्राइड में ए बी सी करके लिख देंगे, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। दूसरा लिखेंगे साइनोसाइट्स एंड तीसरा लिखेंगे सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक वेन। इसमें हम लोग ऑप्शन में लिख देंगे, ए में हिपेटोसाइट्स एंड बी में लिख देंगे कफर सेल्स। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल वेन क्या होता है, तो सेंट्रल वेन प्रेजेंट सेंटर ऑफ द लोब्यूल, जो हमारा लोब्यूल हो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल वेन। दूसरा होता है हिपैटिक आर्टरी लिख देंगे, हिपैटिक आर्टरी क्या होता है, तो हिपैटिक आर्टरी रिलीज द ब्लड इनटू द साइनोसाइट्स, साइनोसाइट्स में हिपैटिक आर्टरी क्या करता है, ब्लड रिलीज करता है एंड इट मूव इनटू सेंट्रल वेन, और साइनोसाइट से कहां पे जाता है, सेंट्रल वेन की तरफ मूव कर जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्लड फ्लो, यह इंपॉर्टेंट है, जो हिपैटिक आर्टरी ब्लड लाती है और साइनोसाइट में जो रिलीज करती है, फिर उसके बाद वह ब्लड आगे जाता है सेंट्रल वेन की तरफ जाता है, तो उस टाइप के जो ब्लड फ्लो होता है उसका एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग साइनोसाइट, साइनोसाइट क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, साइनोसाइट इज ए नैरो ट्यूब, वह नैरो ट्यूब होता है विच इंटरनली अटैच टू द सेंट्रल वेन, वो हमारे सेंट्रल वेन से क्या होता है, अंदर जुड़ा हुआ होता है। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इनसाइड ऑफ साइनोसाइट, मतलब साइनोसाइट के अंदर प्रेजेंट क्या रहता है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, एक स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है साइनोसाइट के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कफर सेल्स। इसका काम क्या है, इट इज हेल्प टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन सेल्स, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन आती है ब्लड के थ्रू, जो हमारे लीवर के पास
जो भी इन्फेक्शन आती है उसके उससे फाइट करने का काम कौन करता है, तो कफर सेल्स होता है, वह कहां पे होता है, साइनसाइड में पाया जाता है। तो यह एक अच्छा से याद रखने की चीज है। दूसरा होता है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्या होता है, तो एवरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, मतलब हमारे पास जो भी लोब्यूल्स है उसका स्ट्रक्चर ही हेक्सागोनल होता है। तो एवरी हेक्सागोनल लोब्यूल्स कॉर्नर हैज थ्री डक्ट, इसके कॉर्नर पे तीन डक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज पोर्टल ट्राइड। ट्राइड मतलब तीन ही होता है। नेक्स्ट लिखेंगे हिपेटोसाइट्स के बारे में। हिपेटोसाइट्स क्या होता है, तो हिपेटोसाइट्स मींस इच लोब्यूल, मतलब जो भी हमारा लोब्यूल्स है वह किससे बना होता है, तो लोब्यूल्स मेड अप ऑफ मेनी, मतलब बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारा स्पेशल सेल से बना होता है, और वह जो सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिपेटिक सेल्स, ठीक है। जो हमारा लोब्यूल्स होता है वह किससे बना होता है, हिपेटिक सेल से बना होता है। और उसका नॉर्मल साइज क्या होता है, तो नॉर्मल साइज ऑफ हिपेटिक सेल इज 20 to 30 micrometer. Okay, thank you.